उनको हम सब पुष्कर भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई, मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तत्पश्चात जो परसों हमारे जिला मुख्यालय पर देहात भाजपा की तरफ से विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिसंबर को अजमेर में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा पुष्कर शहर मंडल की बैठक। बैठक से पूर्व भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित शहीद हुए 11 अन्य सैन्यकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस शासित प्रदेश की विफलताओं, महंगाई, भ्रष्टाचार एवं कुशासन के खिलाफ 15 दिसंबर को अजमेर में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा पुष्कर शहर मंडल ने सोमवार को नगर के माली मंदिर में बैठक आयोजित की। भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव ने बताया कि स्थानीय माली धर्मशाला में पुष्कर में रैली के संयोजक रोहन बाकुलिया और सह संयोजक मुकेश जाखोटिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर घर घर जाकर रैली में शामिल होने के लिए पीले चावल और पैम्पलेट बांटने पर चर्चा की। बैठक से पूर्व भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित शहीद हुए 11 अन्य सेना अधिकारियों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद रोहन बाकुलिया, धर्मेंद्र नागौरा, कमल रामावत, कैलाश श्रेष्ठी, मोहित पाराशर, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हेमराज तेजी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सोनी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भुवनेश पाठक, भाजपा नेता अशोक पाराशर, नौरत्मल पाराशर, ओम प्रकाश चंदावत, मुकेश जाखोटिया, संदीप पाराशर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम CDS जनरल बिपिन रावत साहब और उनकी पत्नी मधुलिका जी व 11 देश के वीर जांबाज जो दुर्घटनावश अकाल मृत्यु के कारण उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनको हम सब पुष्कर भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई, मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तत्पश्चात जो परसों हमारे जिला मुख्यालय पर देहात भाजपा की तरफ से विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमारे जो संयोजक रोहन बाकुलिया व सह संयोजक मुकेश जाखोटिया हैं, उन्होंने इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप घर घर जाकर पर्चा वितरण करके पीले चावल देकर जनता को लेकर भागीदारी निभाएं और इस जन आक्रोश रैली को सरकार के प्रति गंभीरता से प्रदर्शन करना, इसके लिए हमने आज बैठक रखी है। कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे? कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन पाठक साहब, वाइस चेयरमैन शिव स्वरूप जी और मंडल अध्यक्ष पुत्र नारायण जी भाटी, सभी पार्षदगण, मंडल के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल थे।